विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर बी आर अंबेडकर सार्वत्रिक विश्वविद्यालय की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। यूजी तीसरे वर्ष का जो छठा सेमेस्टर है यानी छठा सत्र है उसकी एक इकाई है ब्लॉग लेखन और उसका महत्व। विद्यार्थियों जैसा कि आप जानते हैं हमने इस पुस्तक में जनसंचार माध्यमों में लेखन, उसके प्रकार, लेखन के सिद्धांत और इस तरह के विभिन्न पहलुओं पर हमने अध्ययन किया है। आज विशेष रूप से ब्लॉग लेखन की हम बात करेंगे, ब्लॉग लेखन पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मीडिया यानी माध्यम में, जिसको आप जनसंचार का माध्यम कहते हैं, या आप अंग्रेजी में इसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, इन माध्यमों में जैसा कि आप प्रिंट मीडिया की हम बात करते हैं तो समाचार पत्रों का उल्लेख होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो उसमें टेलीविज़न और रेडियो का उल्लेख होता है। अब एक और माध्यम हमारे सामने है जिसको हम इंटरनेट मीडिया कहते हैं या एक और नाम से हम उसको जानते हैं सोशल मीडिया, उसी का एक भाग है ब्लॉग लेखन। ब्लॉग देखा जाए तो आधुनिक दुनिया का एक ऐसा माध्यम है जिसको मिनटों में, आप कह सकते हैं कि सेकंडों में लाखों लोगों तक हम अपने विचार पहुंचा सकते हैं। ब्लॉग क्या है, ब्लॉग लेखन क्या होता है, ब्लॉग लेखन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ब्लॉग लेखन का महत्व क्या है और उसे किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, इन सारे प्रश्नों का आज हम इस कक्षा में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके लिए हमने एक PPT भी तैयार किया है जो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 10-15 वर्षों में बड़े पैमाने पर दो ऐसे शब्द हैं जो मीडिया के माध्यमों में बहुत तेज़ी से फैले हैं, जिसको आप यूट्यूबर एक शब्द है और ब्लॉगर एक शब्द है। यूट्यूबर तो आप जानते हैं कि यूट्यूब एक जो एप्लीकेशन है बहुत ही लोकप्रिय एप्लीकेशन है, बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है जिसके द्वारा आप लोगों तक आसानी से अपने विचार वीडियो द्वारा पहुँचा सकते हैं। ब्लॉगर एक शब्द है जिसको आप ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहते हैं। यूं भी आप गूगल पर यदि जाएंगे तो गूगल पर एक ब्लॉगर एप्लीकेशन भी है, उसके माध्यम से बहुत सारे ब्लॉग बना सकते हैं। आइए PPT आपके सामने प्रस्तुत है, ब्लॉग लेखन और उसका महत्व। जैसा कि PPT पर बताया जा रहा है कि बीते 10-15 वर्षों में ब्लॉगर और यूट्यूबर जैसे शब्द आम हो गए हैं। विभिन्न प्रकार की जानकारी पर आधारित 500 से अधिक ब्लॉग हिंदी में लोकप्रिय हैं। हर साल सर्वश्रेष्ठ 100, सर्वश्रेष्ठ 50, सर्वश्रेष्ठ 40, सर्वश्रेष्ठ 10 इस तरह के ब्लॉगर चुने जाते हैं और उनके माध्यम से उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साहित्य है, स्वास्थ्य है, यात्रा वर्णन है, ज्ञान विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, खेल है, अपराध, हर तरह के ब्लॉग मौजूद हैं। किसी मशहूर साहित्यकार ने कहा था कि घर से बाज़ार पहुंचते हैं तो जेब हल्की और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इसी तरह यदि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं या ब्लॉग लेखन के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट मीडिया के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ हर पल जानकारी नवीनतम हो जाती है। यानी आज यदि हम किसी चीज़ के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं तो थोड़ी देर के बाद या कल दोपहर या परसों तक हमें लगता है कि वो सूचना मिनटों में पुरानी हो गई है। इसी लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का जो लोग अध्ययन करते हैं, उन्हें हर समय अद्यतन जानकारी रखना अनिवार्य है। इस इकाई में आगे बढ़ते हुए हम इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ब्लॉग लेखन का उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, ब्लॉग का निर्माण किस तरह से किया जाता है,
ब्लॉगिंग का इतिहास और उसके विकास के बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर ब्लॉग का महत्व क्या है और वेब पत्रकारिता के बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं विद्यार्थियों, आज हर किसी के पास जेब में सेलफोन है, स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन की उपयोगिता केवल यह नहीं है कि हम किसी का फ़ोन आए तो हम बात करें, बल्कि हम स्मार्टफोन पर अपना मनोरंजन भी करते हैं। स्मार्टफोन के द्वारा हम दुनिया की नवीनतम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो इंटरनेट की दुनिया है वो सूचनाओं का तेज़ी से प्रचार प्रसार करने में, सूचनाओं को तेज़ी से शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। आप PPT में देख सकते हैं विद्यार्थियों कि IT की जो दुनिया है, जिसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हिंदी में आप इसको सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, तो जो IT की क्रांति है उसके बाद जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आए हैं। विचारों और भावनाओं के अभिव्यक्ति के जो पारंपरिक तौर तरीके थे वो भी बदले हैं। साहित्य और साहित्येतर जो लेखन का क्षेत्र है, प्रकाशन का जो क्षेत्र है वो भी डिजिटल हो गया है। हर जेब में, मैं बात कर रहा था आपको कि हर जेब में स्मार्टफोन मौजूद है, तो विचारों को पहुंचाने, विचारों को प्राप्त या विचारों को दूर दराज रहने वाले लोगों तक पहुंचाने में डिजिटल मीडिया हमारी मदद कर रहा है। तो विचारों की जो उड़ान है वो मिनटों में हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचती है। उसके लिए दो एक माध्यम तो मैंने बताया था आपको कि सेलफोन हमारे पास है। दरअसल इस पूरे तंत्र को संभालने में कंप्यूटर और इंटरनेट का बड़ा महत्व है। तो ये कंप्यूटर और इंटरनेट जो है, हालांकि स्मार्टफोन के कारण हम उससे बंधन से कंप्यूटर के बंधन से थोड़े बहुत मुक्त हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर काम करने के लिए जो ब्लॉग लेखन का काम है वो यदि बड़े पैमाने पर आप करना चाहते हैं तो कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी होना अनिवार्य है। कुछ मशहूर ब्लॉगर के नाम आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अमित अग्रवाल बहुत बड़ा नाम है ब्लॉगिंग के क्षेत्र में। उसके बाद रवि रतलामी हिंदी के क्षेत्र में, यदि हिंदी ब्लॉगर्स की हम बात करेंगे तो रचनाकार, वर्ग पहेली, छींटे और बौछारें उनके लोकप्रिय ब्लॉग हैं। सुनील दीपक का कल्पना और deepaksunil.com बहुत मशहूर ब्लॉग है। कमल शर्मा का वाह मनी मुद्रा और बाजार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एक मशहूर ब्लॉग है। रविश कुमार का, जैसे आप जानते हैं, रविश कुमार का कस्बा बहुत ही मशहूर ब्लॉग है। और जो बड़े समाचार चैनल हैं या वेबसाइट हैं, समाचार पत्र हैं, उनके जो ब्लॉग हैं उसको उसके प्रकाशित होने के बाद उस समाचार के रूप में या वैचारिक समाचारों के क्षेत्र में उसका उपयोग होता है। विद्यार्थी, हम आते हैं अर्थ और परिभाषा की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉग के बारे में, यदि ब्लॉग शब्द क्या है, यदि इसके बारे में हमको जानना है, तो वेब ब्लॉग एक अंग्रेजी में शब्द है जिसका आप कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण के रूप में हम ब्लॉग शब्द को हमने अपनाया है। तो इस पर जो मनुष्य की मूलभूत और बुनियादी ज़रूरत है, यानी अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना, वह भी एक उस ज़रूरत को हम पूरा करते हैं। न केवल विचार, बल्कि आप साहित्यिक क्षेत्र में देखिए, कविताएं हो या कहानियां हो, नाटक हो, आलोचनाएं हो, समीक्षाएं हो, पुस्तक समीक्षाएं हो, वो सारी चीज़ें जो हम पहले समाचार पत्रों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा पढ़ते थे, अब इंटरनेट के माध्यम से उसको ब्लॉग लेखन के रूप में भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ परिभाषाएं आपके पास दी गई हैं, आप PPT में देख सकते हैं कि ब्लॉग प्रौद्योगिकी का जो शब्द है, वेब ब्लॉग, उससे बना है। उसका संक्षिप्त एक रूप है, आप कह सकते हैं उसको। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो ब्लॉग एक ऐसी ऑनलाइन जगह है जहां आप अपने विचारों को, अपनी सोच को, या आप
की जानकारी को जो आपके पास मौजूद है, अपने ज्ञान को, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। हिंदी में इसको एक शब्द दिया गया, चिट्ठा। आप जानते हैं कि जब आज से 1000 वर्ष पूर्व भी एक जो चीज़ हमारी सूचनाओं को या हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का जो मुख्य माध्यम था, जिसको हम चिट्ठी कहा करते थे, बाद में उसको हमने पत्र शब्द का नाम दिया। आज हम उसको ईमेल, मैसेज या एसएमएस जैसे शब्द हमने उसको दिए हैं। वो चिट्ठी से एक शब्द बना है, चिट्ठा। ब्लॉग के लिए हिंदी में चिट्ठा शब्द का भी उपयोग किया जाता है। तो इस चिट्ठा जगत में आज सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो ब्लॉग लेखन का काम कर रहे हैं। कुछ परिभाषाएं हार्वर्ड वेबलॉग हैं या फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। उदय प्रकाश जी ने भी एक परिभाषा उसकी दी है। जयप्रकाश मानस की एक परिभाषा आपके पीपीटी में मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसकी जो परिभाषा लिखी गई है वो आपके सामने मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि कई पोस्ट का संग्रह, कई ताज़ा जानकारियों के साथ, छोटे अनौपचारिक और कभी कभी विवादों से घिरा और कभी कभी गहरे व्यक्तित्व से जुड़ा होता है ब्लॉग लेखन। उदय प्रकाश जी ने बड़ा अच्छा कहा है इसमें कि निजी स्वतंत्रता के आधुनिक विचारों के लिए भी ब्लॉग की दुनिया में जगह है। ब्लॉग के माध्यम से कितने ही सार्थक काम और बहसें हो रही हैं एक अलग मुद्दा है, लेकिन ब्लॉग लेखक की एक निजी किस्म की स्वतंत्रता या ब्लॉग लेखक को एक निजी किस्म की स्वतंत्रता देता है। उस स्पेस का इस्तेमाल लेखक अपने तरीके से निर्बाध रूप से कर सकता है। विद्यार्थियों, आपको मैं बताता चलूं कि जो आज से 15-20 साल पहले तक भी जब हम कोई लेख लिखते थे या निबंध लिखते थे या कोई कविता लिखते थे, अगर हमको उसको पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए भेजना पड़ता था तो वहाँ पर एक प्रक्रिया होती थी। जैसा कि आप यदि कोई लेख या कोई निबंध किसी पत्रिका में भेजते हैं तो वहाँ एक पूरी टीम हुआ करती थी, वहाँ संपादक होते थे, बल्कि कॉपी एडिटर हुआ करते थे, वो उसका संशोधन करते थे, संपादन करते थे। वहाँ पर इस बात की सुविधा थी कि उसको परिष्कृत किया जाए, सुधारा जाए, संवारा जाए। लेकिन ब्लॉग लेखन में ये आप कह सकते हैं इसका अभाव है। ब्लॉग लेखन चूंकि व्यक्तिगत कार्य है, इतनी बड़ी टीम, यदि कोई ब्लॉग एक व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति चला रहा है तो उसमें आपको ये सारी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। तो आपको स्वयं ही भाषा शैली, शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि किस तरह से आप अपनी जो रचनाएं हैं उसको परिष्कृत कर सकते हैं, उसको संशोधित कर सकते हैं, उसका संपादन कर सकते हैं, उसको सारा काम आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। तो ये एक सुविधा है कि आप यहाँ, जैसे उदय प्रकाश जी ने कहा कि एक स्वतंत्र लेखक के लिए एक सुविधा भी है कि वो स्वतंत्र रूप से यह काम कर सकता है और अपनी रचनाओं को, अपने विचारों को, अपने लेखन को ब्लॉग लेखन द्वारा या ब्लॉग द्वारा वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। विद्यार्थियों, ब्लॉग लेखन में या ब्लॉग लेखन के क्षेत्र में कुछ शब्द हैं जिसकी जानकारी आपको प्राप्त होनी अनिवार्य है। ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग है, ब्लॉग पोस्ट है, ऐसे 2-3 शब्द हैं जिसकी जानकारी आपको होना अनिवार्य है। ब्लॉगर के बारे में तो मैं बता रहा था आपको, फिर मैं बताता चलूँ कि जो ब्लॉग शब्द है उसको लिखने वाला जो है, जो व्यक्ति है उसको ब्लॉगर कहा जाता है। जैसे लेखन के क्षेत्र में आप कहते हैं, जैसे कि लेखक कोई निबंध लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, निबंध लिखेगा, लेख लिखेगा तो उसको आप कहते हैं लेखक कहते हैं, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, उसी तरह ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहा जाता है। जो ब्लॉग पोस्ट है या ब्लॉगिंग जो है, वो ब्लॉग पोस्ट या उसकी प्रक्रिया जो है,
और उसको आप ब्लॉगिंग कहते हैं, और लोग ब्लॉग के माध्यम से अपनी प्रतिभा को, ज्ञान को, शौक को, जुनून को पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। एक ब्लॉगर जो है अपने ब्लॉग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचकर उनको प्रभावित कर सकता है, उन तक अपनी अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को प्रस्तुत कर सकता है। अब बात करते हैं कि ब्लॉग में कौन सी सामग्री, जैसा कि अब तक तो हम चर्चा कर ही रहे थे, ब्लॉग में निबंध भी हो सकता है, कविता भी हो सकती है, कहानियाँ भी हो सकते हैं, समाचार भी हो सकते हैं, कुछ गंभीर सूचनाएं भी हो सकती हैं, कुछ मुद्दों पर चर्चाएं भी हो सकती हैं। तो इस तरह से यदि हम उसकी सामग्री पर बात करें, तो आपके पास PPT में कुछ कुछ पॉइंट मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के लेख हों, किसी भी प्रकार की जो सामग्री है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है, कोई ज्ञान विज्ञान की बात भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी की भी जानकारी हो सकती है। ब्लॉग पर अपनी मनोरंजक यात्रा के बारे में भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि आपने कश्मीर की यात्रा की है, आपने नागार्जुन सागर की यात्रा की है, या आपने हैदराबाद ही देखा है। जब आप देखकर किसी यात्रा से आप घर पहुंचते हैं, तो आपको लगता है कि आपको कुछ लिखना चाहिए, आप वो चीज़ें लिखकर ब्लॉग पर डाल सकते हैं, और वो ब्लॉग दूसरों को पोस्ट कर दूसरों तक भेज सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए किसी प्रकार की प्रामाणिक योग्यता या डिग्री की भी आपको आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास क्या होना चाहिए वो याद रखिए कि आपको एक सामान्य रूप से निशुल्क ब्लॉग भी आप लिखना चाहते हैं, आपने कोई इंटरनेट पर कोई जो ब्लॉगर की जो ब्लॉग पोस्ट की जगह है वो आपको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। कई ऐसी सेवाएं हैं जो आपको निशुल्क स्थान उपलब्ध कराती हैं ब्लॉग के लिए। बस आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, और उसके साथ इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट के लिए भी विद्यार्थियों, आपको इंटरनेट बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपके सेलफोन पर भी वो इंटरनेट सुविधा होती है, उसके द्वारा भी आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो जानना आवश्यक है, जैसे कि आप यदि ब्लॉग लेखन में आप आ गए हैं, उतर गए हैं मैदान में, तो आपको क्या क्या करना होगा वो जानकारी भी आपके लिए अनिवार्य है। दो तीन शब्द यहाँ भी आपके लिए अनिवार्य, जैसे डोमेन एक शब्द है, वेब होस्टिंग एक शब्द है, प्लेटफॉर्म एक शब्द है, तो आपके PPT पर भी ये चीज़ें मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। डोमेन क्या होता है? एक ऐसी जगह है जो किसी वेब होस्टिंग से जुड़कर किसी भी संगठन या व्यक्ति को ऑनलाइन जो स्थापित करती है, उसका ऑनलाइन जो उसके लिए स्थान उपलब्ध कराती है। तो डोमेन खरीदने के लिए हम जो है खरीदने से भी आपको ज़्यादा व्यापक रूप से अपनी ब्लॉग लेखन की सुविधा का विस्तार करने में सहयोग मिल सकता है। आप इसको निशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि होस्टिंग का एक होस्टिंग शब्द मैं बता रहा था आपको, वेब होस्टिंग भी आप उसको कह सकते हैं। एक ऐसी सर्विस है जिसकी सहयोग से, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपना वेबसाइट इंटरनेट पर डाल सकता है, इंटरनेट पर उसका प्रकाशन कर सकता है, और वेबसाइट की जो पोस्ट है वो इंटरनेट पर होस्टिंग के द्वारा ही दिखाई जाती है। ब्लॉग का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे वर्डप्रेस है। आपको यदि ब्लॉग व्यापक रूप से बनाना है, जैसे अपना वेबसाइट भी बनाना है, तो आप उसको वर्डप्रेस है, गूगल है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके द्वारा आप अपनी अपना ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं या ब्लॉग होस्टिंग कर सकते हैं। ब्लॉग की निर्माण सुविधा के निर्माण की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये सारी जो व्यवस्था है, सारा काम है, वो IT आधारित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित है। इसकी जानकारी जो भी ब्लॉगर है या ब्लॉग निर्माण करता है उसके लिए अनिवार्य है। इसके लिए सबसे पहले आपको, यदि आप गूगल पर अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खोलना होगा, यानी ईमेल का अकाउंट खोलना होगा। उसके बाद जब आप अकाउंट खोलेंगे ईमेल पर, तब आपको गूगल ये अनुमति देगा कि आप अपना ब्लॉग भी शुरू
शुरू कर सकते हैं। उसके लिए एक ब्लॉग का नाम भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वही नाम आपके ब्लॉग का पता होगा, उसको ब्लॉग पोस्ट भी कहा जाता है गूगल में। गूगल का जो ब्लॉगर है, ब्लॉगर एक ऐप है गूगल में, उसी ऐप के द्वारा आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं और उसको लोगों तक भेज सकते हैं। ब्लॉगिंग के इतिहास की यदि हम बात करेंगे तो विद्यार्थियों, इतिहासकारों का मानना है कि 1990 के दशक के आसपास ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई थी। इसको चार हिस्सों में आप विभाजित कर सकते हैं, चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो भाग है वो 1983 से 2004 तक जो तीन भाग बताए गए हैं, इसका प्रारंभ है और विकास है। 2004 से यदि अब तक की हम बात करें तो मुख्य रूप से बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आए हैं। आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100-150 से अधिक जो है ब्लॉग हिंदी में मौजूद हैं, स्वास्थ्य की जानकारी देने वाले, आईटी की जानकारी देने वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी देने वाले ब्लॉग बड़ी संख्या में हैं। आप जो सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं, सेलफोन की जानकारी देने वाले, सेलफोन की उपयोगिता के बारे में बताने वाले, नए नए सेलफोन किस तरह के फीचर्स उसमें हैं उसकी जानकारी देने वाले ब्लॉग मौजूद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ब्लॉग लेखन किया जा रहा है। तो 2004 से अब तक की यदि हम बात करते हैं कि ये 19 वर्षों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया है। कुछ ब्लॉगर्स के नाम भी मैंने शुरुआत में आपको बताए थे। हिंदी में यदि हम अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में ब्लॉग लेखन की बात करते हैं तो थोड़ी देर से शुरुआत हुई, 2000 के आसपास, 2000 से 2004, फिर 2014 तक का जो दौर है वो धीरे धीरे ब्लॉगिंग में आगे बढ़ने का दौर है। लेकिन 2014 के बाद हिंदी में आप कह सकते हैं हिंदी में ब्लॉग लेखकों की बाढ़ सी आ गई है बहुत बड़ी संख्या में। आज यदि आप इंटरनेट पर हिंदी के ब्लॉग लेखकों के बारे में सर्च करेंगे कोई भी सर्च इंजन से, तो आपको उनकी संख्या के बारे में आश्चर्य होगा कि लोग किन किन विषयों पर ब्लॉग लिख रहे हैं। इस पर ज्ञान और विज्ञान की भी जानकारी है, मनोरंजन के क्षेत्र में भी बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा काम हुआ है। कहानियाँ का जैसे काव्य कुंज है, कविता कोश है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी हैं और ब्लॉग भी हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी अपने विचारों को, अपने भावनाओं, संवेदनाओं, अनुभवों और ज्ञान की जो उनका जुनून है उसको आप ब्लॉग लेखन द्वारा जान सकते हैं उनके जुनून के बारे में। थोड़ा सा अंतर है ब्लॉग लेखन और वेबसाइट में। जैसा कि आप जानते हैं कि वेबसाइट एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें समाचार का वेबसाइट भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आपको जानकारी देते हैं, बल्कि सरकार के भी वेबसाइट हैं जो व्यापक स्तर पर जानकारी प्रदान करते हैं। ब्लॉग उसकी तुलना में एक छोटी जगह है जहां आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जानकारियां ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं आप बात कर रहा था कि जो मुद्रित माध्यम है और जो इंटरनेट का माध्यम है जिसको हमने दो तीन भागों में विभाजित किया, जैसा कि प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और इंटरनेट माध्यम, इन तीनों माध्यमों में सभी माध्यमों का अपना अलग महत्व है, उसी तरह से ब्लॉग लेखन का भी महत्व है। बीते 20-25 वर्षों में बड़ी संख्या में ब्लॉग लेखन हुआ है, तो उसका महत्व इस बात से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम तौर पे अब जो भी लेखक है उस लेखक को प्रकाशक तक पहुंचने, प्रकाशक के सामने जो है अनुरोध करने, उसके अपने प्रकाशन की प्रतीक्षा करने की अब आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो सीधे टेक्नोलॉजी का सहयोग लेकर लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। ब्लॉग लेखन इस विषय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो ब्लॉग लेखन का महत्व है वो है कि नवीनतम जानकारी आप तेज़ी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अपने जो अनुभव हैं वो तो आप पहुंचा ही सकते हैं, नवीनतम, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पास एक ऐसी जानकारी रखते हैं जो दूसरों के पास नहीं है और दूसरों को उसकी आवश्यकता है,
तो ब्लॉग लेखन द्वारा वो आप बात पहुंचा सकते हैं। मैं अमिताभ बच्चन का नाम ले रहा था कि अमिताभ बच्चन के बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट जो है लोगों तक बड़ी जल्दी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो उस पर वो ऐसे छोटे छोटे भी छोटी छोटी जो घटनाएं हैं वो लोगों को बताते हैं, प्रशंसकों को बताते हैं, जिससे लोग खुश होते हैं। तो ये ब्लॉग का जो है इस तरह का महत्व भी है। दूसरे कई बातें ऐसी होती हैं जो आप सार्वजनिक रूप से नहीं बता पाते, लेकिन ब्लॉग के माध्यम से कई ऐसी बातें जो महत्वपूर्ण हैं जो दूसरों के काम आ सकती हैं उसको भी आप बता सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैं बता रहा था कि निबंध है, कहानी है, कविता है, नाटक है, बहुत सारी जो हिंदी साहित्य की विधाएं हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप इसको कैसे करेंगे, क्या बातें हैं जो आप ब्लॉग लेखन करते समय आपको उसका ध्यान रखना अनिवार्य है, तो मैं PPT के द्वारा आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि निबंध, फीचर या अन्य प्रकार का कोई भी लेखन आप ब्लॉगिंग में करना चाहते हैं तो उसका व्यवस्थित भाषा में होना अनिवार्य है। इसलिए कि यहाँ पर संपादन के लिए कोई और व्यक्ति आपका सहयोग नहीं करेगा तो आपको ही ये काम करना है। कला है, साहित्य है, विज्ञान, गणित, उद्योग, व्यवसाय, विज्ञापन आदि कोई भी विषय हो, उसी विषय को आपको चुनना है जिस विषय में आप पारंगत हैं, जिस विषय की आप जानकारी रखते हैं, जिस विषय में आपके अनुभव हैं और बड़ी आसानी से आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, उसी विषय को आपको लेखन के लिए चुनना है। जब आपका शोध पूर्ण हो जाए और आप लिखने के लिए तैयार हैं तो एक अच्छा जो है कलात्मक रचनात्मक ब्लॉग आपको लिखने में मदद मिलेगी और आप अपने उद्देश्य में भी सफल होंगे। ब्लॉग लेखन में लेखक, विषय और अभिव्यक्ति तीन मुख्य आधार हैं, यानी लेखक, विषय और अभिव्यक्ति, इन तीनों पर भी आपको ध्यान देना। आप यदि लेखक हैं तो आपको विषय चुनते समय ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद आप किस तरह अभिव्यक्ति करेंगे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, वो शैली भी आपको अपनानी है। एक विशेष भाषा शैली का उपयोग आप करेंगे तो आपकी अपनी व्यक्तिगत पहचान भी ब्लॉगिंग के द्वारा हो सकती है। गरिमा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो विषय सशक्त होना चाहिए ब्लॉग का, अभिव्यक्ति की शैली भी उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाती है, उसकी लोकप्रियता अभिव्यक्ति की शैली पर निर्भर है। ब्लॉग को पाठक तक पहुंचाने का भी एक महत्वपूर्ण काम ब्लॉगर को करना है। यदि आप ये समझते हैं कि आपने ब्लॉग लिख दिया और फिर वो पाठकों तक पहुंच गया तो इतना ही काफ़ी नहीं है। ब्लॉग लेखन को या अपने ब्लॉग को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आज बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। आपके पास व्हाट्सएप जैसी चीज़ है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा आप अपना ब्लॉग लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं ब्लॉग लेखन के प्रकार के बारे में बता रहा था आपको। मूल रूप से यदि भाषा शैली के आधार पर देखा जाए तो गद्यात्मक, पद्यात्मक और आलोचनात्मक तीन तरह के प्रकार हो सकते हैं। ये भाषा शैली के आधार पर, यदि इसको विषय के आधार पर देखा जाए तो शैक्षणिक हो सकता है, मनोरंजन का क्षेत्र में ब्लॉग हो सकता है, व्यवसायिक है, वैयक्तिक है, पत्र पत्रिकाओं में जो ब्लॉग लिखे जाते हैं उसको भी, विज्ञापन का भी ब्लॉग हो सकता है। ब्लॉग लेखन की विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो जैसे कि आमतौर पर हम कोई भी निबंध लिखते हैं, उस निबंध की हम भूमिका बनाते हैं, उस निबंध का विश्लेषण हम करते हैं विस्तार से, जब हम उसका विस्तार से लेखन करते हैं उसके बाद सारांश या समापन या उपसंहार या इस तरह से बातें हो सकती हैं। ब्लॉग लेखन की विशेषताओं के बारे में यदि मैं बात करूं तो स्वतंत्र ब्लॉगिंग के लिए लेखक को चाहिए कि उसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा करे या विस्तार से मंथन करे, सोच विचार करे, उसकी गुणवत्ता के बारे में सोच विचार करे। ब्लॉग लेखन विश्वसनीय होना चाहिए, जो भी आप जानकारी ब्लॉग में देना चाहते हैं वो उसकी विश्वसनीयता अनिवार्य है। और प्रभावशीलता बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हम पिछली
इससे पहले भी मैंने बताया आपको कि प्रभावशीलता के बिना कोई भी ब्लॉग सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रभावशीलता अभिव्यक्ति की जो शैली है वो अनिवार्य है। इंटरनेट और कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं उसकी जानकारी होना ब्लॉगर के लिए अनिवार्य है। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे क्षेत्रों का ज्ञान उसे होना चाहिए। समाज का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, धर्मशास्त्र का ज्ञान या धर्म की जो नीति है उसका ज्ञान उसको होना अनिवार्य है। तो इस तरह की जो जानकारी है यदि उसको होगी तो वो अपना ब्लॉग सफल रूप से लिख पाएगा। तो विद्यार्थियों, हमने इस इकाई में ब्लॉग लेखन के बारे में चर्चा की है। ब्लॉग लेखन का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में भी हमने जाना, उसका इतिहास भी हमने जाना और उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला। एक ख़ास बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप यदि ब्लॉग लेखन के क्षेत्र में कुछ अनुभव करना चाहते हैं, कुछ नए तजुर्बे करना चाहते हैं, तो आपके पास जो इंटरनेट की सुविधा है या आपके पास जो कंप्यूटर या सेलफोन की सुविधा है उसके द्वारा जो जानकारी हमने अभी दी है नए अनुभव कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। जो भी विद्यार्थी हैं वो यदि ब्लॉग लेखन के क्षेत्र में, आसान तरीका ये है कि आप जो अध्ययन अपनी पुस्तक में कर रहे हैं उसी के आधार पर आप अपने निबंध लिख सकते हैं और ये आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।